से भाजपा में जाने की अफवाहों पर फतेहपुर के कांग्रेसी विधायक भवानी सिंह पठानिया ने विराम चिन्ह लगा डाला है। फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह की फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया व पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल का भाजपा में जा सकते हैं। इस सवाल पर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमें खरीद सके। उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें आज ही पार्टी से रवाना कर देना चाहिए। नहीं देखिए, ऐसा है, अभी इनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो हमको खरीद पाए। और रही बात लोगों को छोड़ के जाने की, देखिए मेरा एक चीज़ ये मानना है कि अगर कोई डिससेटिस्फाइड है तो पार्टी को ये चाहिए कि उसको आज ही रवाना कर दे। क्योंकि होगा क्या कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद जब सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ MLA जो है वो रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करके सरकार को गिरा दें। तो अगर हमको पता है कि कुछ लोग मतलब अगर असंतुष्ट हैं और ये लगता है कि वो लोग शायद मतलब कल को ब्लैकमेल करें, तो इससे अच्छा ये नहीं होगा कि उनकी टिकट आज ही काट दीजिए और अब उस आदमी को टिकट दीजिए जो पक्का कांग्रेसी है और उसको टिकट दीजिए जिसका ईमान जो है वो मतलब उसका जो दिल जो है कांग्रेस के लिए धड़कता है। पता अगर लोग आके ये बोले कि जी हम अगर आपने ये नहीं किया तो ये कर देंगे, ये नहीं किया तो ये कर देंगे, तो पार्टी को ये स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आज आप ये बोल रहे हो तो आज ही उनको लात मार के निकाल देना चाहिए। सर OPS के बारे में, OPS हम ऑलरेडी पहली अनाउंसमेंट जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में करी थी हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, आधिकारिक रूप से अनाउंस कर चुके हैं कि आते ही पहली कैबिनेट के अंदर OPS का डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करेंगे। राजस्थान की सरकार कर चुकी है, छत्तीसगढ़ की सरकार कर चुकी है, झारखंड की सरकार कर चुकी है जहाँ कांग्रेस एक अलायंस में है, और हिमाचल हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया OPS को इम्प्लीमेंट करें। हिमाचल रेजिमेंट बनाने के लिए सर कोई बात उठी है सर? नहीं देखिए, हिमाचल रेजिमेंट अब जो इनके इश्यूज आए हैं उन इश्यूज में देखिए कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं जो कि मतलब राज्य सरकार शायद उसके ऊपर कुछ कर सकती है। अब जैसे क्या राज्य सरकार अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज़ ला सकती है जिसमें मतलब हम इनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचा पाए? आंसर इज यस, कुछ ना कुछ हम उसमें जरूर करेंगे। लेकिन कुछ जो केंद्र सरकार वाली चीज़ें हैं जो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की चीज़ें, जैसे कि हिमाचल रेजिमेंट की बात है, अब ये रेजिमेंट्स के लिए हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे सकेंगे क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट हथियार कुछ नहीं चलता। तो डेफिनेटली यस, हिमाचल रेजिमेंट की बात काफ़ी टाइम से चल रही है, आज भी एक दो लोगों ने फौजी भाइयों ने जरूर इस बात को उठाया है, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ें, पर हम ये जरूर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसको रिप्रेजेंट जरूर करेगी केंद्र सरकार को। क्योंकि आप देखिए शहीदों का रेशियो एज अ रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट है किसी भी स्टेट से इस हिंदुस्तान के अंदर। और उसी में आप अगर ये चार जिले देखिए, आप हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और लोअर पार्ट ऑफ चंबा, मैक्सिमम जो भर्तियां हैं या मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स आर्मी के अंदर जो है वो इन एरिया से है। तो हमारे एरिया के लिए तो बहुत ही एक संवेदनशील और एक बहुत ही भावनात्मक। एनस्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।